कुछ भी जहां ना था कल तक तेरा मेरा, वहां आज रिश्तों का सौदा होने लगा, चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे, अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता, इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कश्मकश, कैसी कश्मकश। शायद साहिल फिर से मेरे करीब आ रहा है। अगर ऐसा है तो ये तो बहुत खुशी की बात है। था ठीक है, मैं साहिल का पीछा नहीं करूंगा। थैंक्स मैम, बाय। मेरा शक सही निकला, तुमने ही मयंक को मेरे पीछे लगाया था। साहिल मुझे सफाई देने की कोशिश मत करना, मैंने अपने कानों से तुम्हारे और मयंक के बीच की बातचीत सुनी। क्यों तुम मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश कर रही हो? हाँ क्यों परेशान कर रही हो मुझे तुम? शादी करके तुमसे बहुत बड़ी भूल की है मैंने, मैं जिंदगी फट होना पड़ेगा तुम्हें। साहिल मयंक आज के बाद तुम्हारा पीछा नहीं करेगा, मैंने मना कर दिया है उसे। एहसान किया है, बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने मुझ पर। एक बात याद रखना तुमने, अपने दिमाग में ये गलतफहमी पाल कर मत बैठ जाना कि अगर मैंने राजलक्ष्मी मौसी का हाथ पकड़ा था तो मैं तुम्हारे करीब आ जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, समझी तुम? मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं और नहीं करूंगा, इस बात को स्वीकार कर लो तुम। मैं अनन्या से प्यार करता हूं और हमेशा उससे ही प्यार करता रहूंगा, और अगर मैंने राजलक्ष्मी मौसी का हाथ पकड़ा था तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अनन्या ने मुझसे कहा था, क्योंकि वैसे टाइम वेस्ट करना ही बेकार है मालूम। क्या हुआ बेटा? अरे बता तो सही, रोना बंद कर, क्या हुआ बता ना बेटा। मम्मा, मम्मा मैं समझ में नहीं आ रहा कि हम अपनी जिंदगी को कैसे संभालें। क्या हुआ देवयानी, फिर कुछ कहा क्या उसने? उन्होंने कहा नहीं मम्मा, उन्होंने किया है, और जो भी किया है बहुत गलत किया है। क्या किया उसने मम्मा? वो तारा को हमारे और मयंक के पास ये कहकर लाई थी कि वो मयंक की बेटी है, लेकिन ये बात झूठ है मम्मा। क्या सच्चाई क्या है? सच इतना कड़वा है मम्मा कि मयंक कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तारा किसी और की बेटी है, पराई बच्ची है वो। मयंक और काम्या से उसका कोई लेना देना नहीं है मम्मा। रानी माँ तारा के पिता को पैसे देकर उसे किराए पर ले आई थी ताकि हमें और मयंक को सबक सिखा सके। हे भगवान, ये क्या किया देवयानी ने? मम्मा नानी माँ को लगता है कि हमने मयंक को उससे छीन लिया है,
इसलिए वो चाहते थे कि हम दोनों औलाद के प्यार में तड़पे और उसकी जुदाई के गम में हम पागल हो जाए। इसलिए नानी माँ ने हम दोनों के खिलाफ साजिश की। देवयानी ने तो हद कर दी, अपने ही नाती अपने ही खून मयंक को परेशान करना चाहती है। हमने मयंक को अब तक इस बारे में कुछ नहीं बताया, हमारी तो हिम्मत ही नहीं हो रही। तारा मयंक की कमजोरी बन गई है। आज तारा का हमारे घर में आखिरी दिन है, फिर नानी माँ उसे ले जाकर उसके पिता को सौंप देंगी। हमें बहुत डर लग रहा है मम्मा, कहीं ये सच्चाई जानकर मैं कुछ कर ना बैठे, कुछ गलत ना हो जाए। मुझे मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें क्या राय दूं। अगर मैं देवयानी से बात करूं तो वो तो भड़क जाएगी और फिर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। नहीं मम्मा, अब नानी माँ से बात मत कीजिएगा। मयंक से भी बात करना ठीक नहीं होगा, ये बात वो तुम्हारे मुंह से जाने वही ठीक है। देखो बेटा, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, मैं आपको तुम्हें ही संभालना है। एक बात मानकर चलो बेटा, देवयानी पल पल अब तुम्हें परेशान करेगी, तुम्हें निडर होकर उसका सामना करना पड़ेगा। हम नानी माँ से नहीं डरते मम्मा, हमें तो सिर्फ बस मयंक की चिंता है। मैं जानती हूँ पूजा, तुम मयंक से बहुत प्यार करती हो। एक पत्नी का फर्ज है अपने पति को सही रास्ता दिखाए, उसकी परेशानियों को अपनी परेशानी समझे और उसकी हर मुसीबत का हल ढूंढने की कोशिश करें। देवयानी बड़ी शातिर औरत है, हर वक्त में बहुत समझदारी से काम लेना होगा बेटा। जी मामा, आप ठीक कह रही हैं, हमें खुद ही कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। तनु, चलो कुछ खा लो। नहीं खुशी, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। तनु, अरे पायल तुम बैठो ना। तनु, दरअसल मुझे तुमसे एक बात करनी है। पहले सोच रही थी कि ना बताऊं, तुम्हारा दिल टूट जाएगा। अब तो ये दिल इतनी बार टूट चुका है पायल, किसके टूटने से दर्द का एहसास ही नहीं होता। तुम बताओ क्या बात है। तनु, मैं साहिल का पीछा करते करते अनन्या के घर पहुंची तो मैंने देखा कि अनन्या वहां मौजूद थी। सकता है पायल, लेकिन पायल साहिल तो अनन्या को लेकर खुद इतना परेशान था। सब नाटक था तनु, साहिल और अनन्या ने मिलकर तुम्हें बेवकूफ बनाया। नहीं पायल, ये बात मैं नहीं मानती। अनन्या मेरे साथ धोखा कर ही नहीं सकती, वो तो मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह मानती है। सब दिखावा था उसका, उसने जो भी वादे तुमसे किए सब झूठे थे। तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश की अनन्या ने। तनु के भोलेपन का हर कोई फायदा उठाता है पायल, हमेशा इसके साथ ऐसे ही होता आ रहा है। हाँ खुशी, अफसोस तो इसी बात का। और पता है तनु, वो अनन्या वहां बड़े आराम से बड़ी खुशी से साहिल के बच्चे की मां बनने की तैयारी में लगी हुई, बिना किसी गिल्ट के। मैंने अनन्या को समझने में भूल की। वो बहनों जैसी हमदर्दी, सहेलियों जैसा हंसी मजाक,
सब झूठ था क्या? सब दिखावा था तनु। तुम्हें चोट ना पहुंचे ये सोचकर मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई, लेकिन तुमसे ये बात छुपाकर मैं तुम्हें धोखे में भी नहीं रख सकती थी। मैं अनन्या से मिलने जाऊंगी पायल। नहीं तनु, तुम वहां मत जाना। अगर साहिल भैया को पता चल गया तो? मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं अनन्या से मिलने अभी जाऊंगी। जिंदगी के ऐसे दो राह पर खड़ी जहां से दोनों ही रास्ते मेरी बर्बादी की ओर जाते हैं। साहिल के प्यार को इंपॉर्टेंस दो और इस बच्चे को जन्म दो तो भी मेरी ही बर्बादी है। और तनु की कुर्बानियों को ध्यान में रखकर अगर मैं साहिल को छोड़ दूं और इस बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही रोक दूं तो भी मेरी ही तबाही है। मैं इसे नहीं मार सकती। एक जिंदगी को खत्म करना पाप है। तुम ही जिंदगी देने वाले हो और तुम ही लेने वाले हो। मेरी कोख में जो बच्चा पल रहा है ये भी तो तुम्हारा ही वरदान है ना प्रभु। मैं इसे जन्म दूंगी। ये बच्चा साहिल और मेरे सच्चे प्यार की निशानी है। गर्भवत्यै निरूपितम् चक्रव्यूह प्रवेशस्य रहस्यं चाकुतं हितः अभिमन्युस्थितो गर्भे दिव्यज्ञानयुतो शृणो सहस्रम चक्रव्यूहस्य संपूर्णं न स ज्ञातवान्। प्यार का दिखावा मत करो मेरे साथ। ठीक ही तो कह रही हो तनु? ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। मेरी दोस्त बनकर, मेरी बहन बनकर तुमने मुझे ही धोखा दिया। मेरे विश्वास को छला है तुमने अनन्या। तुमने तो मेरे प्यार को मजाक ही बना दिया। तनु तुम मेरी भी सुनोगी या बोलती जाओगी? अब भी कुछ कहने सुनने का बाकी बचा है? अनन्या तुम्हें लगता है कि तुमने कोई कसर छोड़ी है कि मैं तुम्हारी और बात सुनूं? मैं ही गलत थी अनन्या। सब लोग तुम्हें बुरा कहते, तुम्हें गलत मानते थे, लेकिन मैंने कभी किसी की एक नहीं सुनी। तुम्हारा हर कदम पर साथ दिया, तुम्हारी तरफदारी की। विश्वास में नहीं आता अनन्या कि तुमने ऐसा मेरे साथ किया। मैं पूछती हूँ, अगर तुमने ऐसा ही करना तो उस वक्त मुझे क्यों रोका? तुमने अपनी कसम देकर, साहिल की कसम देकर मुझे क्यों रोका? जब मैं तुम दोनों की जिंदगी से जाने वाली थी तब
तो तुमने बहुत मीठी मीठी बातें की थी ना मेरे साथ, अपनी और साहिल की कसम दी थी ना मुझे। इतना दिखावा कैसे कर लिया तुमने? कितना दुख हुआ मुझे ये जानकर कि वो प्यार, वो अपनापन, वो दोस्ती, वो सब दिखावा था। और मैं तुम्हें दिल से अपनी बहन मानने लगी थी, इतना विश्वास किया तुम पे, तुम्हें सच्चे दिल से माफ कर दिया था मैंने अनन्या। कुछ पल के लिए तो मुझे यही लगा था कि इसमें तुम्हारा क्या दोष है, जब मेरा पति ही मेरी तरफ नहीं तो मैं तुम्हें बुरा भला क्यों कहूं। ऐसी होती है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुमने तो अपनी हर हद ही पार कर दिया अनन्या। साहिल को लेकर यूं गायब हुए कि मुझे तक खबर नहीं लगने दी कि तुम हो कहां, और इधर मैं चिंता से मरे जा रही थी। अनन्या कहां चली गई, किस हाल में होगी, और तुमने मुझे खबर तक नहीं लगने दी। तनु तुम मेरी भी सुनोगी या बोलती जाओगी? तुम्हें पता भी है मेरे साथ क्या हुआ? कैसी कशमकश, कैसी कशमकश। तनु तुम मेरी भी सुनोगी या बोलती जाओगी? तुम्हें पता भी है मेरे साथ क्या हुआ? साहिल मुझे हॉस्पिटल से उठाकर ले गया मेरी इजाजत के बगैर, क्योंकि वो डर चुका था। पता नहीं उसके दिमाग में ये कहां से बात आ गई कि कोई मुझे मारना चाहता है, कोई मेरी जान का दुश्मन है। अब तुम बताओ मैं क्या करती? वो मुझे एक ऐसी अनजान जगह पे ले गया जहां उसके सिवा मैं कोई आ ही नहीं सकता। मैं तुम्हें कैसे कॉन्टेक्ट करती तनु? मैं तुम्हें कैसे बताती कि मेरे साथ क्या हुआ है? कहानी तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है अनन्या, और हर कोई इस पे विश्वास भी कर लेगा। लेकिन तनु ने लंदन में रहने वाली लड़की को साहिल किडनैप कर लिया, और वो लड़की कुछ भी नहीं कर पाती। मजाक लगता है अनन्या, झूठ बोलने से पहले भगवान का तो लिहाज करो जिसके सामने खड़ी होकर तुम बोल रही हो। मैं मजबूर थी तनु, क्योंकि साहिल का बच्चा मेरी कोख में था। उसकी बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। साहिल जो कुछ भी कर रहा था तनु, वो मेरे प्यार की खातिर ही कर रहा था। हाँ मानती हूँ उसका तरीका गलत था, पर उसकी नियत बुरी नहीं थी तनु, इसलिए मैं खामोश थी। तो तुम्हें क्या लगा मेरी नियत बुरी थी? अनन्या मैं तो हमेशा यही चाहती थी कि तुम इस बच्चे को जन्म दो, साहिल के साथ रहो, तो तुम दोनों की जिंदगी में खुशियां बनी रहे। यकीन नहीं होता ना, भगवान साक्षी है अनन्या, मैं जो कह रही हूं सच कह रही हूं। मैंने यही सोचा था कि अपने शांतनु को लेकर तुम्हारी और साहिल की जिंदगी से कहीं दूर चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी, अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगी तुम लोगों को। तुमने भी मुझे साहिल की तरह धोखा दिया अनन्या, धोखा। और सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि बहन बनकर धोखा दिया। इतना विश्वास करने के बाद जब विश्वास टूटता है ना अनन्या, तो दिल को जितनी ठेस पहुंचती है ना, तुम नहीं समझ सकते। आज एहसास हुआ मुझे कि सूर्य पश्चिम से तो निकल सकता है, सितारे अपनी चमक खो सकते हैं, आसमान फट सकता है, लेकिन एक सौतन कभी बहर नहीं होता, वो हमेशा सौतन ही रहती है। नहीं तनु,
भगवान जानता है कि भगवान का नाम बीच में मत लो अनन्या, वरना तुम्हारी झूठी कसमों से भगवान को भी शर्मिंदा होना पड़ेगा।